नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिगर ऑफ स्पीच के नए टॉपिक के लिए, और जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का। संबोधन अलंकार अने अपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेट, to the absent or to a personified object or ideas. That means संबोधन अलंकार में हम मृत, अनुपस्थित, मानवीय गुण वाली वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबोधन किया करते हैं। वो वस्तुएं जो मृत हो चुकी हैं, जिनमें जीवन नहीं है, हम उन्हें ऐसे संबोधित करते हैं जैसे मानो वो जीवंत रूप में हमारे सामने खड़ी हों। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम उसे ऐसे संबोधित करते हैं मानो वह हमारे समक्ष खड़ा हो। या फिर कोई वस्तु है, या फिर कोई विचार है, आइडिया है, उसको हम जीवंत मान लेते हैं और उसको वैसे ही संबोधित करते हैं जैसे वह जीवंत रूप में हमारे सामने खड़ा हो। जहां ऐसी स्थिति स्पष्ट की जाती है, वहां संबोधन अलंकार स्पष्ट होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। यह इसकी विशेष चीज होती है जिसे हमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में जानना होता है, वह कि संज्ञा के तुरंत बाद संबोधन चिन्ह या फिर अल्प विराम का आना अति आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोम दाउ हैज नॉट सीन बेटर डेज। रोम के संबंध में एक सूथ सेयर ने प्रेडिक्ट किया, भविष्यवाणी की कि रोम, अब आने वाले जो तेरे दिन होंगे वो खुशहाल जीवन की ओर संकेत नहीं करते हैं। यहाँ चारों तरफ दुर्दशा ही दुर्दशा होगी, अच्छे दिनों की हम कामना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ रोम एक देश है, एक राज्य है, और उसको ऐसे संबोधित किया गया है मानो वह जीवंत हो और जीवित रूप में उसके सामने खड़ा हो और सूथ सेयर की बात को समझ रहा हो, उस भविष्यवक्ता की बात को सुन रहा है और समझ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रोम दाउ हैज नॉट सीन बेटर डेज, इस पंक्ति में एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है, संबोधन अलंकार है। हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं और देखते हैं। ओ जूलियस सीजर, दाउ आर माइट येट। 16वीं शताब्दी में यू को दाउ लिखा जाता था, यानी कि हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ओ जूलियस सीजर You are might yet. Might means शक्तिशाली, yet माने अब भी। अरे जूलियस सीजर, तुम अब भी इतने शक्तिशाली हो। किसने कहा? एक षड्यंत्रकारी ने। आपको जूलियस सीजर के विषय में पता होगा, जूलियस सीजर हमारे फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित और वर्ल्ड फेमस ड्रामा है, नाटक है, जिसमें जूलियस सीजर रोम का शासक होता है। उसी शासन काल में कुछ षड्यंत्रकारी जूलियस सीजर की हत्या कर देते हैं सीनेट में, और उसके बाद जूलियस सीजर की आत्मा उनसे एक एक करके बदला लेती है।
जब वे षड्यंत्रकारियों से बदला ले रही होती है, ठीक उसी समय एक षड्यंत्रकारी इन शब्दों को बोलता है, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर माइटेट, तुम अब भी बहुत शक्तिशाली हो। तो यहां जूलियस सीजर मर चुका है, मृत है, लेकिन वहां व्यक्ति जो कह रहा है इस कथन के लिए, जूलियस सीजर को ऐसे संबोधित करता है मानो वह उसके सामने खड़ा हो। जहां ऐसी स्थिति स्पष्ट होती है वहां हम संबोधन अलंकार या एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच के रूप में उसे जानते हैं। और उदाहरण लेते हैं, ओ फ्रेंड, आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक फॉर कंफर्ट। ओ फ्रेंड, अरे मेरे मित्र, मैं नहीं जानता विच वे आई मस्ट लुक फॉर कंफर्ट, मैं ऐसा कौन सा रास्ता तलाश करूं जिससे मुझे सुकून मिले, जिससे मुझे आराम मिले। लाइफ, आई नो नॉट व्हाट द वर्ल्ड, अब जीवन एब्सेंस है, हम देख नहीं सकते उसे, हम छू नहीं सकते उसे, लेकिन उससे हम ऐसे बातें कर रहे हैं, उसको ऐसे संबोधित कर रहे हैं मानो वह एक जीवंत प्राणी की तरह हमारे सामने खड़ा हो। जीवन, मैं नहीं जानता तेरी कला क्या है, तेरी गति क्या है, मैं नहीं जानता हूं। यहां लाइफ को एक जीवंत और स्पष्ट सामने खड़ी किसी मानवीय गुण वाली वस्तु के रूप में मान लिया गया है। यहां इस पंक्ति में भी संबोधन अलंकार है, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। ओ डेथ, वेयर इज द स्टिंग, अरे मृत्यु, तेरा दंश कहाँ है। स्टिंग, दंश, जिसे हम डंक भी कहते हैं, दर्द, कष्ट, वेदना, तेरा स्टिंग, तेरा दंश, यह दर्द, तेरा कष्ट कहाँ है। हमने मृत्यु को संबोधित किया मानो वह एक मानवीय रूप में हमारी समक्ष खड़ी हो। तो यहां विशेष चीज क्या होती है कि हम मृत, अनुपस्थित मानवीय गुण वाली वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबोधन करते हैं। जहां यह स्थिति होती है वहां एपोस्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। इसकी विशेष पहचान, संज्ञा के बाद संबोधन का चिन्ह अवश्य आता है। कभी कभी हमारे सामने कन्फ्यूजन होता है कि पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफे दोनों में बहुत ही कम अंतर होता है। वहां पर भी किसी निर्जीव वस्तु या भावनात्मक विचार को जीवित प्राणी मान लिया जाता है, उसका मानवीकरण कर दिया जाता है, और ठीक ऐसा ही लगभग लगभग एपोस्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच में भी होता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, हम इस टेबल से देख सकते हैं कि एपोस्ट्रोफे इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। दैट्स मीन्स एपोस्ट्रोफे अलंकार पर्सोनिफिकेशन अलंकार का ही विशेष रूप होता है। यदि मैं एपोस्ट्रोफे की बात करते हैं तो एपोस्ट्रोफे में संबोधन में मृत, अनुपस्थित मानवीय गुण वाली वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबोधन किया जाता है, जबकि पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को प्राणी मान लिया जाता है। दोनों में क्या अंतर है? वहां निर्जीव वस्तु विचारों को संबोधित किया जाता है ऐसे जैसे कि वो जीवंत हों, जबकि पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तुओं और विचारों को प्राणी ही मान लिया जाता है, उनका मानवीयकरण ही कर दिया जाता है।
ये था आज का हमारा एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। इससे अगले वीडियो में हम अगले फिगर ऑफ स्पीच को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिएगा, लेकिन अलविदा मत कहना, कहना फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।